नमस्कार मित्रों, आज सैटरडे है, शनिवार, और हमारा एक कमिटमेंट था कि 9 बजे हम फिर से मिलेंगे और आपकी कुछ क्वेरीज रहेंगी और मेरे जवाब रहेंगे। आयुर्वेद को माध्यम बना करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं कितना आप लोगों को लाभ पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि यदि आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग अपना लेते हैं, चाहे वो खान पान की बात करें, चाहे वो हम अपने लाइफ स्टाइल की बात करें, तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है, बहुत बड़ी संभावना बनती है कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो हमें आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना है और जान करके अपने जीवन में अपनाना है। ये सब चीजें मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये जो चरक संहिता है, ये जो सुश्रुत संहिता है, ये जो अष्टांग संग्रह है, ये सब आप पुरुष थे। आप पुरुष वो पुरुष होते हैं जिनमें त्रुटि की संभावना लगभग शून्य होती है, इसलिए हम इन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं। तो इनकी कही बातों का अनुसरण यदि आप करेंगे तो ना केवल आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब तरह से आप पोषित होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा। और मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं माध्यम बनूं चरक संहिता के, सुश्रुत संहिता के, यानी आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने में। दोस्तों, आपके क्वेश्चंस आप शुरू कीजिए फटाफट, जिससे जो है मैं शुरू कर सकूं आपका जवाब देना। और पिछली बार मैंने आईबीएस पे चर्चा की थी तो कुछ लोगों ने जो है वो कहा कि डॉक्टर साहब ने सीधे सीधे नहीं बताया कि अगर हम आईबीएस के पेशेंट हैं तो हम किन दवाओं का सेवन करें। और उनकी क्वेरी ये थी हमारे स्टाफ के साथ कि यदि संभव हो तो आप दवाओं को दिखाएं, दवाओं के नाम दिखाएं और बिल्कुल एक सीधा सा प्रेस्क्रिप्शन स्पष्ट शब्दों में हमें बता दें। तो मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, पेट की वो बीमारी जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, उसका जो स्टूल होता है वो वेल फॉर्म्ड ना होकर के थोड़ा सा बिखरा हुआ सा होता है, सेमी सॉलिड होता है, लूज होता है। नंबर तीन, उसके स्टूल में चिकनाहट भी हो सकती है, जिसको हम म्यूकस या आव की शिकायत बोलते हैं। नंबर चार, उसको मल्टीपल अर्जीज होती हैं, लाइक सुबह जैसे आप जाएंगे रूटीन में 2-3 बार जाते हैं, फिर उसके बाद आप नाश्ता करने के बाद भी जा रहे हैं, लंच करने के बाद भी जा रहे हैं, बीच में आपने चाय पी ली। कुछ लोगों की तबीयत तो इतनी खराब हो जाती है कि वो पानी पीते हैं तो भी उनको एक अर्ज बन जाती है कि वो जो है डेफिकेशन के लिए जाएं, यानी कि स्टूल पास करने के लिए जाएं, फ्रेश होने के लिए जाएं। साथ में आईबीएस का पेशेंट जो होता है वो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मानसिक रूप से भी उसको धीरे धीरे तनाव होना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस में रहना शुरू कर देता है, उसको कहीं ना कहीं नींद की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, और भी एक तरह से मन उदास रहने के साथ साथ उसका वजन भी कम होने लगता है। बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट जो हैं वो अपने काम को भी, अपने ऑक्यूपेशन को भी नहीं निभा पाते हैं, उनको नौकरी छोड़ करके, दुकान छोड़ करके घर बैठना पड़ जाता है। ऐसे मेरे पास पेशेंट्स हैं जो कभी बैंक में चीफ मैनेजर जैसी पोस्ट पे होते थे, पुलिस में एएसपी एसपी जैसी पोस्ट पे होते थे, लेकिन दे रिजाइन बिफोर टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज आईबीएस। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि बहुत सारे ऐसे लोगों को इस पिछले 20 साल की अपनी प्रैक्टिस में मैंने ठीक किया और वापस उनको जो है एक आनंद वाली जो जिंदगी है उसमें वापस भेजने में मैं सफल रहा। तो सबसे पहले बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी उठा पटक के मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली इस तरह के सिम्टम है, यानी आईबीएस है, तो पहली दवा मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बड़बोला नहीं हो रहा हूं, तो पहली दवा जो आईबीएस पेशेंट के लिए अमृत जैसी है वो है संदीपन कैप्सूल।
दोस्तों ये है संदीपन कैप्सूल। इस कैप्सूल को आपने 2 कैप्सूल की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार लेना है। बिल्कुल सीधा 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, 2 कैप्सूल दोपहर में खाने से पहले और 2 कैप्सूल रात में खाने से पहले। तो आप संदीपन कैप्सूल ही अगर केवल लेना शुरू कर देंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप में से 70-75% पेशेंट्स को इसी से ही आईबीएस ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसको आपको लगातार लेना पड़ेगा। इट मे टेक 3 months to 1 year टू गेट क्योर। आप क्योर हो जाएंगे इस संदीपन कैप्सूल को 2 कैप्सूल की मात्रा में दिन में 3 बार, 2 कैप्सूल नाश्ते के बाद, 2 कैप्सूल बिफोर लंच, 2 कैप्सूल बिफोर डिनर। अब दूसरी बात, क्योंकि आईबीएस के पेशेंट शुरू में इस बीमारी को इग्नोर करते हैं और बाद में जब वो ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाते हैं तो उस समय वो हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां आपको कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी और दुनिया भर के आपके जांच होते हैं और निकलता कुछ नहीं है। 99% ऑफ द आईबीएस पेशेंट को कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आती है, एंडोस्कोपी नॉर्मल आती है, केवल जांच होती रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में आपको कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक दे करके, कुछ एंटी अमीबिक मेडिसिन जैसे मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल ये दे करके, ऑफ्लोक्सेसिन एंटीबायोटिक दे करके आपको कुछ राहत मिल जाती है। लेकिन मित्रों, आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो आईबीएस से छुटकारा दिला सकती है। तो वापस सीधे सीधे दवा पे आता हूं। संदीपन के साथ दूसरी दवा जो मैं रिकमेंड करता हूं आईबीएस पेशेंट के लिए वो है सुप्रज्ञा। दोस्तों ये है सुप्रज्ञा आर्क। ये एक तरह का नरवाइन टॉनिक है, डी स्ट्रेसिंग टॉनिक है। इस सुप्रज्ञा को आप 2 चम्मच से 5 चम्मच तक, 2 चम्मच मतलब 10 ml, यानी 1 टीस्पून में 5 ml होते हैं, तो इसके 2 चम्मच मतलब 10 ml से इसे शुरू करेंगे और 2-3 दिन बाद इसको 3 चम्मच करेंगे, फिर 2-3 दिन बाद 4 चम्मच करेंगे और फिर 2-3 दिन बाद 5 चम्मच। यानी कहने का मतलब है कि विद इन 15 डेज आप इसकी फुल डोज यानी कि 5 चम्मच 25 ml पर आ जाएंगे। आईबीएस, फिर से रिपीट करता हूं, आप कहीं भी हैं इंडिया में, आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पहली दवा है संदीपन और दूसरी दवा है सुप्रज्ञा आर्क। ये एक तरह से डिस्टिलेशन से हमारा तैयार होता है, लिक्विड है, और इस लिक्विड के 2 चम्मच आपको सुबह शाम लेने हैं। और जिनको ये लगता है कि उनको बहुत अधिक एक तरह से मानसिक उलझन रहती है, बहुत अधिक उनको घबराहट होती है, तो वो इस अर्क को संदीपन के साथ 3 टाइम भी ले सकते हैं, यानी सुबह नाश्ते के बाद, फिर दोपहर में और रात में खाना खाने से पहले। आपको 2 चम्मच से आपको लगता है कि मुझे तो पूरी रात मिल गई, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए मत। आपको लगता है 3 चम्मच से रात मिल गई पूरी, मैं बिल्कुल फिट हूं, मत आगे बढ़िए, 4 चम्मच 5 चम्मच तक आप जा सकते हैं, तो आप जो है ये दवा लेना करें। अब तीसरी दवा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को गैस की दिक्कत होती है, थोड़ा सा अफारा भी रहता है, तो अब इन 2 मेडिसिन के बाद में मेडिसिन शुरू होती है। किसी भी कंपनी का आप कुड़जा रिस्ट ले आइए, और ये है अथाग्नी टैबलेट। अथाग्नी कुड़जा रिस्ट आप 4 चम्मच की मात्रा में और अथाग्नी 2 गोली की मात्रा में, चूर्ण जैसी गोलियां हैं ये, इन गोलियों को आप दोपहर में और रात में खाना खाने के बाद लेंगे। अगेन आई रिपीट, आईबीएस का पेशेंट अगर मुझसे बात करे, ऑनलाइन कंसल्टेशन करे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप बेफिक्र होके, आपको कोई भी कोमोर्बिडिटी साथ में, आप डायबिटिक हैं, आप ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप संदीपन नंबर 1, नंबर 2 सुप्रज्ञा, नंबर 3 कुडजारिष्ट,
वो मेरे पास अभी बोतल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। एंड ये अथाग्नि टेबलेट, इन चार दवाओं के बाद अब हमें मिलते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन कैसे कि कुछ पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 10 बार जाने के बाद भी तसल्ली नहीं मिलती और पहला मोशन तो बिल्कुल ठीक होता ही नहीं है, तो उन मेरे भाइयों के लिए मैं इसब गोल बेस वाला ये अथ गोल रिकमेंड करता हूं, जिनको बिल्कुल सुबह के मोशन से तसल्ली नहीं होती। कुछ आईबीएस के पेशेंट ये बोलते हैं कि उनको पेट साफ होता ही नहीं है, तो वो अथ गोल आधे से एक चम्मच ये खाना खाने के बाद रात में या सोते समय रात में बोल लीजिए ये लेंगे। अब कुछ मेरे आईबीएस के पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब मेरे को तो हर सुबह भी तसल्ली हो जाती है, उसके बाद फिर प्रेशर बनता है, तो उनको हमें एक दवा जोड़नी पड़ती है, एमके रस। एंड विश्वास कीजिए मेरे मित्रों, ये जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, जो मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, ये आईबीएस का काल है, ये आईबीएस का शत्रु है ये सेट, और आईबीएस को ये जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। और इसी में एक दो मेडिसिन जोड़ करके मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को, क्रोन्स डिजीज के पेशेंट को देता हूं, और विश्वास कीजिए जो लाभ आपको 15 साल में नहीं मिला होगा वो इन दवाओं से पहले 15 दिन में ही मिल जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं बड़े गर्व के साथ, गौरव के साथ, कि इन मेडिसिन से 99% लोगों को पहले 15 दिन में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईबीएस का पेशेंट वो 1% भी जो है, जिसको थोड़ा सा कम लाभ मिलता है, वो भी जरा भटक जाता है बहुत जल्दी से। तो आपको भटकना नहीं है, आईबीएस जो है उसके लिए वी हैव ट्रीटमेंट। चलिए अब आईबीएस के बाद और मेरे बहुत सारे लोग जो है मेरा वेट कर रहे होंगे, उनका नाम लेते हैं जल्दी से। शिवम मणि त्रिपाठी, ये क्या बता रहे हैं, अटैक्सिया है। देखिए ये एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें जो है चलने में दिक्कत होती है, बैलेंसिंग चली जाती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन चला जाता है। तो शिवम भाई आई एम सॉरी, यू हैव सच ए बिग डिजीज, तो मैं यही कहूंगा कि अटैक्सिया के लिए आयुर्वेदिक नरवाइन टोनिक, स्पेशली इनिशियली मैं स्वर्ण प्रभा जो गोल्ड प्रिपरेशन है उसको देना चाहूंगा। अटैक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम कॉन्फिडेंटली आपको नहीं कह सकते कि वी विल क्योर यू, बट वी कैन हेल्प यू। आप एक बार बात कर लें, क्योंकि अटैक्सिया बड़ी बीमारी है, थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी होगी, मे बी फैमिली हिस्ट्री भी आपकी पॉजिटिव हो, तो एक बार जरा सा आप बात कर लें, लेकिन आपके लिए आयुर्वेदिक नरवाइन टॉनिक कुछ हेल्प करेंगे। कोमल अरोड़ा क्या लिखती हैं, पैरों के दर्द से बहुत परेशान हूं, रेस्टलेस रहती हूं, बहुत जल्दी थक जाती हूं, वेट भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए कोमल जी, पहले तो मुझे ऐसा लगता है, आपकी फोटो मुझे साथ में थोड़ी दिख रही है कि यू मस्ट बी कहीं 30 से 40 के बीच की आपके फोटो से लग रही है, छोटी सी फोटो जो नजर आ रही है, तो आपके पैरों में दर्द है। तो आज के टाइम पे एक बहुत बेसिक सी चीज यह है कि विटामिन D3 और विटामिन B12 की बहुत अधिक डेफिशिएंसी लोगों में देखी जा रही है, तो आप वो बेसिक टेस्ट करा लीजिए। साथ में आप अपना खाना पीना ठीक कीजिए, गैस बनाने वाली चीजों को मत लीजिए। आपने लिखा है कि आपके रेस्टलेस रहती हूं, रेस्टलेस का मतलब अब आजकल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, जहां पे अक्सर आप जो है देखेंगे कि बिस्तर पे आप पैर पटक रहे होते हैं, कि आपको बहुत दर्द हो रहा होता है और आप पैर मार रहे होते हैं, उसे बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस से आपका मतलब जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दिमागी रूप से भी थोड़ा सा खिन्न रहते हो, परेशान रहते हो। तो अगर आप दिमागी रूप से खिन्न रहते हैं तो मेरा बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन, बार बार रिकमेंडेशन सुप्रज्ञा का है। इन जनरल वी हैव टू सुप्रज्ञा, वन इज सुप्रज्ञा एंड अनदर इज सुप्रज्ञा प्लस। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सुप्रज्ञा प्लस है, तो इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रांग करके बनाया है सुप्रज्ञा प्लस को। और जिन लोगों को वास्तव में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ओसीडी है, या बिल्कुल नींद नहीं आती, या और इस तरह के कुछ डिप्रेशन एंजाइटी के जबरदस्त एपिसोड्स हैं, तो वो सुप्रज्ञा प्लस लें।
अदरवाइज आप प्लेन सुप्रज्ञा जैसे इन जनरल वेलबींग बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हम लोग आज के टाइम पे शारीरिक परिश्रम उतना नहीं कर रहे जितना हम मानसिक परिश्रम कर रहे हैं, तो मानसिक परिश्रम कर रहे हैं तो हमारा सबसे अधिक थकने वाला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को लेकर के हम अपनी डाइट में क्या चेंज ला रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं ला रहे। तो ऐसे में ये है दिमाग का ईंधन, इसमें है अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, सो दैट काइंड ऑफ हर्ब्स जो सेफ हैं, बट दे आर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड फॉर मेंटल नरिशमेंट, फॉर द नर्वस नरिशमेंट। तो आप इसको सहारा लीजिए तो आपकी रेस्टलेसनेस निकल जाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। और साथ में आप विटामिन डी थ्री कैल्सिरोल के नाम से सैशे आते हैं, वीकली बेसिस पे लीजिए। विटामिन B12 बहुत लोगों का कम आजकल मिल रहा है, तो मैथिल कोबाल के नाम से टैबलेट आती है। अगर आपका इन जनरल सभी को अगर कम है तो 1500 माइक्रोग्राम 1500 MCG की टैबलेट किसी भी स्टोर से ले लीजिए। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसमें कोई मेडिसिन वाली बात नहीं है। तो मैथिल कोबाल अमीन ये आप विटामिन बी ट्वेल्व है, तो इसकी 1500 MCG गोली रोज एक खाइए और एटलीस्ट 1 मंथ के लिए खाइए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और कोमल जी, खाने पीने में मैं हमेशा बोलता हूं कि गैस वाली चीजें मत खाइए। जिन लोगों को दर्द रहते हैं उनको दालों में साबुत दालें जैसे उड़द, राजमा, चने, लोबिया ये अवॉइड करना चाहिए। बादी वाली सब्जियां जो पेन को बढ़ा देती हैं, बैंगन, साग, पालक, सरसों इमीडिएटली पेन को बढ़ाता है। कटहल हो गया, अरबी हो गई, गोभी हो गई। उसके बाद में एक चीज बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि दही जो है वो बहुत आपको तंग कर सकती है, तो दही को अवॉइड कीजिए। दही पेन बढ़ा देती है, दही सूजन बढ़ा देती है, दही आपको वेट बढ़ा देगी। आपने लिखा वेट भी रहता है कोमल जी, तो जिन लोगों को भी वेट कम करने की थोड़ी सी भी इच्छा है वो दही को बाय बाय कर दें। दही खाने वालों का वेट कम नहीं होगा। अभिंद्र तिवारी जी नमस्ते आपको, देवेंद्र वर्मा जी नमस्ते। 10 साल से साइनस है। देखिए साइनस में देवेंद्र जी, साइनस में इन जनरल हमें क्या होता है कि हमें नाक बहती है, छींके आती हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाए, नहा करके हम बाहर आते हैं या एयर कंडीशन में बैठे हुए बाहर धूप में चले गए एकदम से छींके आनी शुरू हो गई। तो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट तो यह है कि इस तरह से अगर आप सफर कर रहे हैं तो काली मिर्च 50 ग्राम और मीठे बताशे जो होते हैं जो प्रसाद में व्हाइट वाले गोल, वो 150 ग्राम, यानी कि एक भाग काली मिर्च और 3 भाग जो है बताशे, ये आप मिला करके एक पाउडर तैयार करें और इसका 1 चम्मच रात में सोते समय हल्दी वाले दूध के साथ लेना शुरू करें। अब हल्दी का दूध भी कैसे तैयार होगा, आपको 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी आपके अपने किचन की जो आप घर में किचन में यूज करते हैं वो डालनी है और दूध को अच्छे से उबाल देना है। सो दैट वो जो 1 कप दूध 1 कप पानी मतलब 2 कप का वापिस से 1 कप रह जाए। इट विल टेक आई थिंक 5 मिनट्स। उसको आप छान करके उस पीले दूध से वो जो आपने काली मिर्च और बताशे का पाउडर तैयार किया है वो आप खाएंगे, लगातार खाएंगे तो आपको साइनस की एलर्जी ठीक हो जाएगी। ऐसा अक्सर लोग हमें बताते हैं कि 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में उनकी एलर्जी खत्म हो गई। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एलर्जी है तो अभ्रमोल नाम की एक दवा, फिर से सुने अभ्रमोल, उसका 1/2 चम्मच आपको शहद में मिलाकर के लेना है। अब यहां पे 2 आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन का नाम लूंगा। कुछ साइनस के पेशेंट का नाक बहता है, कुछ साइनस के पेशेंट्स का नाक बंद हो जाता है। अभ्रमोल के साथ जिनका नाक बंद रहता हो वो श्वास को उठाड़ लेंगे। ये जो मैं दवाइयों के नाम आपको बताता हूं वो इसलिए कि आप ये लिख लीजिए और आपने कोई भी पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए, उनसे कहिए कि डॉक्टर अरोड़ा ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के ये दवाएं आप जो है उनसे रिकमेंड कराएं, उनसे लिखवाएं।
और उससे जो है मेरे ख्याल से जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ बातें और अच्छी जानने को मिलेंगी। साइनस का ट्रीटमेंट हमारे पास है, सालों की एलर्जी ठीक हो सकती है। काली मिर्च, बताशे का पाउडर हल्दी के दूध के साथ खाना है। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो अब्रमोल के साथ, नाक बहती हो तो लक्ष्मी विलास रस, और नाक बंद रहती हो तो श्वास कुठार रस लेना है। और एक दवा मेरा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है जिसका नाम है सुथरो टैबलेट। अगर संभव हो, मेरे ख्याल से बहुत सस्ती सी दवा है, लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने सूत्रों के जो रिजल्ट देखे हैं मेरे लिए खुद बड़ा सरप्राइजिंग था। 2 गोली सुबह शाम चूसनी होती है, आप कुछ भी मत लीजिए, केवल रात में काली मिर्च वाला पाउडर खाइए और सूत्रों 2-2 गोली चूसिए, देखिए आपकी छींके आना जो अचानक से कहीं भी मीटिंग में आपको एकदम से परेशानी हो जाती है वो सब बंद हो जाएगी। तो सूत्रो टैबलेट आप हमारे यहां से मंगा सकते हैं, एक छोटी डब्बी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सस्ती सी है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी एलर्जी को खत्म करने की क्षमता रखती है। तो पुनः आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी नुकसान देने वाली एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जिसमें कितनी दवाइयों के नाम दूं मैं, आप सब जानते हैं, और कुछ डॉक्टर्स तो एट लास्ट परेशान होकर के आपको स्टेरॉइड्स तक दे देते हैं। तो आपको इस एलर्जी को 10-10, 15-15 साल ढोने की आवश्यकता नहीं है। वी डू हैव क्योर फॉर एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोइड्स, नेजल पॉलिप्स, ये सब के लिए मैं आपको मैसेज देने के लिए यहां बैठा हूं। नेजल पॉलिप का जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो नेजल पॉलिप आपके काट दिए जाते हैं, बड़ा अच्छा हो गया, नाक एकदम बंद थी, बच्चे को बड़े को बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा था, आपने नेजल पॉलिप कटवा दी। लेकिन नेजल पॉलिप को आप समझ लीजिए जड़ से नहीं काटा जाता। और नेजल पॉलिप बढ़े क्यों, उनमें सूजन आई क्यों, उनमें सूजन इसलिए आई क्योंकि आप एलर्जिक थे बाहर किसी चीज से, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो पोलन ग्रेन हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से एलर्जी आपको हो जाती है और आपके नेजल पॉलिप इन्फ्लेम्ड होकर के नाक का रास्ता बंद कर देते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने ऑपरेशन कराया क्योंकि आपको दिक्कत हो रही थी, एक्सेप्टेबल, लेकिन क्या ऑपरेशन कराने के बाद आपने उस एलर्जी का ट्रीटमेंट कराया, नहीं कराया। अब यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूं, ऑपरेशन कराने के बाद अंग्रेजी डॉक्टर भी, सर्जन भी आपको अगले 3 महीने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन पे डाल देते हैं। अब आपका ऑपरेशन भी हो गया, साथ में आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो आपको लगता है अब तो मैं ठीक हूं, बिल्कुल रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेडिसिन प्रेस्क्राइब होती है तो आदमी बड़ा पंक्चुअली लेता है, वो सोचता है ये इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी, इट्स ए कोर्स, और लेकर के 3 महीने उसका इम्पैक्ट 6 महीने तक रहता है। और आपको इन जनरल मैक्सिमम लोगों को 6 महीने बाद फिर से नेजल पॉलिप बढ़ करके दिक्कत देने लगते हैं। तो मेरी आपसे भी, और अगर इस प्रोग्राम को कोई भी मेरा सर्जन भाई देख रहा है, मेरा मित्र देख रहा है, तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप नेजल पॉलिप काट करके, टॉन्सिल काट करके, एडिनोइड्स काट करके आप राहत दीजिए पेशेंट को, लेकिन उसको आयुर्वेद में भेज करके एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए, सो दैट उस बेचारे को वापस से वही कंडीशन ना आ जाए। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। सो वापस से बोलता हूं, जिन लोगों को छींके आती हैं वो काली मिर्च 50 ग्राम, बताशे 150 ग्राम, इनको मिला करके घर में ही पाउडर करेंगे। 1 चम्मच पाउडर हल्दी वाले दूध के साथ रात में सोते समय लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर लीजिए, इसी से कम 50-60% आराम पहले 15 दिन में ही मिल जाएगा। अच्छा जी, ये शैलेंद्र पथला जी हैं, साउंड स्लिप नहीं होती, थकान रहती है। शैलेंद्र जी, साउंड स्लिप नहीं होती, मैंने पिछली बार बड़ी एक सिंपल सी रेमेडी आपको बताई थी
कि आप सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट पहले अपने सारे कामों को बंद कर दें। ये बड़ा बेसिक सी चीज है, ये तो मुझे लगता है कि हम सबको ही करना चाहिए कि सोने से 15-20 मिनट पहले हम सबको अपने सारे काम, इवन मोबाइल सोबाइल सब किनारे रख देना चाहिए, और उसके बाद बैठ करके आप जिस भी आप इष्ट देव को मानते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, आप बैठ करके अपना प्रेयर कीजिए 5 मिनट्स के लिए। जरूर प्रभु को याद कीजिए, जरूर अपने आराध्य को याद कीजिए। उसके बाद तेल की एक कीप आपकी बेड साइड पे जरूर होनी चाहिए। आप उस कीप से तेल को हथेली पे डालिए और थोड़ा सा तेल आपको टॉप ऑफ स्काल्प पे लगाना है, रगड़ना है हार्डली फॉर 30 सेकेंड। उसके बाद उंगली से नाक के अंदर तेल लगाना है, फिर हाथ पे थोड़ा रगड़ करके वापस से पैर के तलवों पे 2 मिनट के लिए रगड़ लीजिए, और फिर आप बहुत आराम के साथ प्रभु का नाम लेके आप सोइए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। एक मैंने एक रेमेडी दी थी, वो रेमेडी बहुत सारे लोगों ने अपनाई और आज तक बुझा के मेरे पेशेंट दो साल तीन साल हो गए, वो अभी भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वो आपकी बड़ी जबरदस्त रेमेडी थी, और उसमें मैंने ऐसे ही बोला था कि आप साहब आप राम राम नाम की उल्टी माला, उल्टी माला का मतलब है कि राम राम 108, राम राम 107, राम राम 106, राम राम 105, राम राम 104, राम राम 103, ऐसे करके आप आंख बंद करके आप बोली आंख बंद करके, और जहां अटक जाएं वापिस से 108 से शुरू कीजिए। मुझे आज भी पेशेंट आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम माला फेरते हैं और माला नहीं फिरती, आदत पड़ गई है और हम सो जाते हैं, पहले नींद नहीं आती थी। सो ये सब जो है बेसिकली मैंने क्यों बोला था, ये मेरा क्या इससे पीछे क्या साइंस था, तो बेसिकली माय इंटेंशंस वर टू डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द रूटीन वर्क, आपका दिमाग में डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि हमारे दिमाग में जो लास्ट कुछ भी होता है तो हम उसी को ही सोचते रहते हैं। सो माय पर्पज वाज टू डिस्कनेक्ट यू, कि आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं और राम राम का नाम लें। इट विल टेक 2-4 मिनट्स जैसे भी आपकी स्पीड है, और उसके बाद आप पूरा अच्छा, जब आपको उल्टी गिनती गानी है तो यू कंसंट्रेट अ लॉट कि 108 के बाद 107, 106, 105 तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब यू ट्रस्ट मी, अभी भी लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे भगवान का नाम लेने से नींद आ जाती है, तो इसके पीछे साइंस ये है कि आई वॉज बेसिकली विशिंग टू डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द रूटीन वर्क, एंड सेकेंडली भगवान का नाम तो लेना अच्छा होता ही है, और नंबरिंग जब करते हैं स्पेशली उल्टी नंबरिंग, तो कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन एकदम से उसी पे बन के और चीजें हमारी सब पीछे छूट जाती है और आप सो जाते हैं। सो हर चीज के पीछे एक तर्क है, साइंस है, कोई नहीं। और साथ में फिर सुप्रज्ञा का सहारा आप लीजिए, जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है। देखिए बहुत सारी चीजें होम रेमेडीज है, मैंने बताया जटामानसी आप बाजार से ले आइए, जटामानसी किसी भी पंसारी के यहां आपको यह हर मिल जाएगी जटामानसी, तो जटामानसी को आप धो करके सुखा लीजिए। नाम ही है जटामानसी, जैसे बाल होते हैं बिल्कुल एकदम, जब हमारे यहां आता है तो ऐसा लगता है कि लेडीज की जैसे चुटिया होती है तो उसी तरह से अपना आपस में लिपटे हुए जो है वो जटामानसी होती है, तो उसको ला करके धो करके सुखा लीजिए और हल्का हल्का पाउडर हो जाता है मिक्सी में कर लीजिए। अब इस पाउडर का आधा चम्मच लगभग आधा कप पानी में ही, आधा कप पानी पौना कप पानी हो उसमें तेज गर्म पानी में आप डाल करके और छोड़ दीजिए बस उसको। ये आपने भिगाना भी रात में 8 बजे के आसपास है, और उसके बाद 10 बजे के आसपास यानी 2 घंटे वो पानी में पड़ा रहे, और छान करके वो काले रंग की हर्ब होती है, पानी को भी थोड़ा सा काला कर देती है, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर का कर देती है, और आप छान करके उस पानी को पी लीजिए सोते समय, आप देखिए आपको अद्भुत नींद आएगी। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि 20 साल से ऐसी नींद नहीं आई थी जैसा जटामानसी, हम इसको नाम देते हैं जटामानसी फांट, यानी कि पानी में भिगो कर, उबालना नहीं है, अगर आपने उबाला तो फिर ये अपने गुण खो देगी जड़ी, इसको केवल गर्म पानी में डाल करके उसको ढक दीजिए, आप कप को छोड़ दीजिए,
एंड बाद में छान करके उसको आप पी लीजिए। तो आप रात्रि में पियेंगे, लगातार पीजिए। देखिए फिर मैंने कहा कि ये सब बड़ी बेसिक सी चीजें, इनसे कोई नुकसान नहीं। जटामानसी आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जटामानसी आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करती है, आपका नरवाइन टोनिक है। तो अगर आप चाहते हैं, आपको तसल्ली मिलती है कि कोई ऐसी होम रेमेडी हो जो आप घर पे करना चाहें, तो जटामानसी फांट के रूप में नींद लाने वाली एक बहुत ही प्रभावी और एकदम सेफ ये रेमेडी मैंने आपको बता दी। जटामानसी पंसारी के यहां भी मिल जाएगी, किसी आयुर्वेदिक स्टोर वाले तो नहीं रखते, लेकिन जो आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटियां बेचते हैं उनके यहां से भी आप जटामानसी मंगा सकते हैं। सुनीता जैन जी का क्वेश्चन ऊपर निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन सुनीता जैन जी आपको नमन, आपने आप हमारे कार्यक्रम में बनी हुई हैं। पारुल सिंह ये क्या कहती हैं जी, दांत चबाती है बेटी 16 साल की। पारुल सिंह, उस बच्ची को मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल की बच्चिया को वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, तो आप कीड़ों की दवाई दीजिए। आयुर्वेद में कृमि कुठार रस की एक गोली जो है 15 दिन तक लगातार दीजिए। आप अगर कृमि कुठार आपको नहीं मिल पाती तो कोई बात नहीं, इन जनरल एल्बेंडेजोल एक टैबलेट होती है जो बच्चों को अक्सर हम लोग कीड़ों के लिए देते हैं। तो आप देखिए, बड़ी बच्ची है तो मैं इन जनरल, हर प्रैक्टिशनर का अपना एक अलग तरीका होता है दवाई प्रेस्क्राइब करने का, मैं एल्बेंडेजोल 400 mg 3 दिन लगातार देता हूं बड़े लोगों को। तो 16 साल की बच्ची है, इसको आप एक दिन दीजिए, दूसरे दिन दीजिए, तीसरे दिन दीजिए, मिस 3 रात लगातार आप एल्बेंडेजोल 400 mg दीजिए। और उसके बाद अगर बहुत जिद्दी कीड़े होते हैं तो मैं कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल लगभग 4 चम्मच की मात्रा में थोड़े दूध में मिलाकर के उसके बाद देता हूं। सो इट्स ए 6 डेज कोर्स जो मैं अपने अर्टिकेरिया के पेशेंट्स को भी देता हूं। बहुत सारे अर्टिकेरिया के पेशेंट, यू विल नॉट बिलीव, स्किन पे जो खारिश होती है, दाफन निकलते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा एनीमिया, खून नहीं आपको बन रहा, कभी कभी आपने बहुत दवाइयां दे दी, आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो क्रिमिज सिरेशूल भी होता है, कीड़ों की वजह से होने वाला सिर दर्द भी होता है, क्रिमिज पांडू भी होता है, क्रिमी मीन्स कीड़ों की वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में आप लोग भी ध्यान रखें, डॉक्टर को भी ध्यान दिला दें, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, कभी कभी व्यस्तता के चलते छोटी छोटी बातें नहीं उनके दिमाग में रहती। तो आपको कोई भी बीमारी है तो आप, और आपको लग रहा है कि आराम नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कह के देख लीजिए कि सर एक बार कीड़ों की दवाई का कोर्स कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अच्छी हो सकती हैं। रामभूषण जी नमस्कार, रश्मि मोदी, 7 साल के बच्चे को हमेशा कोल्ड रहता है, मैंने बहुत अच्छे से भी कोल्ड को एक्सप्लेन किया है जी, आप उस बच्चे को अभ्रमोल दीजिए और साथ में लक्ष्मी विलास रस, और किसी डॉक्टर से मिल लीजिए। आयुर्वेद में आपको साइनस का, एलर्जिक राइनाइटिस का आपको पूरा एक तरह से इलाज मिलेगा। सुथ्रो टैबलेट जो बच्चे चूस नहीं सकते, उसका स्वाद थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो जो लोग चूस ना सके लेकिन उसको आप शहद में दीजिए सुथ्रो को, तो उससे भी कोल्ड बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट। अब केएल शर्मा जी लिखते हैं, शुगर में आयुर्वेदिक मेडिसिन बताइए। केएल शर्मा जी, शुगर की पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन है आंवला और हल्दी का पाउडर, आप आंवला लीजिए और हल्दी लीजिए, आंवला आप कहीं से भी पाउडर ले लीजिए और हल्दी घर के किचन वाली हल्दी जो होती है, दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए। और उसके बाद एक काम बहुत अच्छा रहेगा अगर कर पाए तो, वो ये कि इस पाउडर को बहुत हल्का सा, लाइक आपने 200 ग्राम पाउडर तैयार किया तो आधा चम्मच आप घी में डाल करके उसको कढ़ाई पे फ्राई सा कर लीजिए, मतलब गीला भी ना हो और उसमें थोड़ा सा घी का छोका भी लग जाए, फिर एकदम ड्राई हो जाएगा, डब्बा भर के रख लीजिए। और इस पाउडर का आपने आधा चम्मच सुबह खाली पेट 2 गोली चंद्रप्रभा वटी के साथ लेना है, और यदि संभव हो तो आप सुबह शाम लीजिए। शुगर के पेशेंट को ये बड़ा बेसिक सा नुस्खा शुगर से बाहर भी ला सकता है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आपका शुगर भी देखिए 3 तरह का होता है, सहज होता है, कुलज होता है, अपथ्यज होता है। अपथ्यज का मतलब हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत जीवन शैली की वजह से होने वाला
प्रमेह डायबिटीज अपथ्यज कहलाता है और ये एकमात्र वो डायबिटीज है जो क्योर हो सकता है, जिसमें हम पेशेंट की एलोपैथिक मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन बंद करा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे शुगर की मेडिसिन बंद हो गई, तो इसका मतलब है उनको शुगर जो था वो अपथ्यज था, सहज और कुलज नहीं था। शुगर तीन प्रकार का, सहज मतलब कंजनाइटल, कुलज मतलब फैमिली में रन करने वाला, और अपथ्यज मीन्स अपथ्य। अपथ्य ये शब्द मुझसे बार बार सुनेंगे आप। अपथ्य का मतलब यह है कि जो सही नहीं है उसका अभ्यास करना अपथ्य कहलाता है। अब वो खान पान भी है, वो जीवन शैली भी है। तो आपको अभी के लिए मेरे उन भाई बहनों को, उन मित्रों को जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी हो, आप आंवला हल्दी को एज ए पार्ट ऑफ डाइट मान करके और साथ साथ में चंद्र प्रभावती की दो गोली ये आप कृपया करके शुरू कर दें। कल से ही आपको बहुत चेंजेस रहेंगे एंड आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी बहुत बहुत कम हो जाएगी। तो आंवला और हल्दी बराबर मात्रा में लेकर के थोड़ा सा घी में फ्राई कर दें। अब हम लोग इससे, ये पाउडर कोई भी ले लेता है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, इसी में हम मेथी मिला देते हैं, इसी में हम थोड़े से और चीजें मिला देते हैं और हम बना देते हैं मधु केतु। तो ये पाउडर हम बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा कड़वा है। आप घर पे हैं फिर मैं बता रहा हूं। देखिए, लेट वी स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स, लेट वी स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स, लेट वी स्टार्ट विद द होम रेमेडीज। और होम रेमेडीज जब आप शुरू कर देंगे, एक बार आंवला हल्दी आप लेने लगे तो उसका दो महीने तीन महीने बाद मेरा मधु केतु मंगा लीजिए। अभी नहीं, आप पहले आंवला हल्दी शुरू कीजिए, आप किसी भी कंपनी की चंद्र प्रभावती शुरू कीजिए, उसके बाद में आपको जारोलादी कैप्सूल देंगे, करते रहिए। अच्छा जी, और अभिंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं जी, दांत में ठंडा गरम लगता है। अभिंद्र तिवारी जी के माध्यम से आप सब लोग नोट करें एक मंजन का फार्मूला जो आपके मसूड़ों को यानी गम्स को और दांतों को नई जिंदगी दे सकता है। नोट करें, तीन चीजें उसमें आपको मिलानी है। पहली चीज है फिटकरी की भस्म, जिसको स्फटिका भस्म के नाम से आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ला सकते हैं, आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पुराने जो लोग सुन रहे होंगे, मेरी माताएं, मेरे बड़े एल्डरली लोग, वो जानते हैं फिटकरी के छोटे से टुकड़े को आप तवे पे रख दीजिए और बिल्कुल मत हिलाइए, बिल्कुल मत हिलाइए, हिलाएंगे तो खराब हो जाएगी, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो वो धीरे धीरे पहले वो पूरा लिक्विड बन जाता है और लिक्विड बनने के बाद में फिर वो सूख करके बिल्कुल बताशे जैसा हल्का बिल्कुल पाउडर तैयार हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पहले स्टेप से लेके अंतिम स्टेप तक आपने केवल दर्शक बन के रहना है, उसको छेड़ना नहीं है। आपने थोड़ी सी फिटकरी को पीस करके दरदरा बना करके तवे के ऊपर बीच में रख दिया, फिर उसके बाद आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप पहले पिघलेगा, बिल्कुल पानी हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे से सूखना शुरू करेगा। एक बार आपको ऐसा आभास होगा कि जैसे रोटी पलटते हैं ऐसे आप इसको पलट दें, लेकिन आप वो भूल मत कीजिएगा, उसको मत छेड़िएगा। नीचे से वो सूखना शुरू होगा और ऊपर तक सूखेगा, अगर आपने उसे पलटा तो वो आपका खराब हो जाएगा। तो स्फटिका भस्म बाजार से ले आए, सस्ती सी होती है। और नंबर दो पे हल्दी और नंबर तीन पे सेंधा नमक, एक भाग स्फटिका भस्म, दो भाग हल्दी और चार भाग सेंधा नमक। फिर से सुनिए, एक भाग स्फटिका भस्म, दो भाग हल्दी और चार भाग सेंधा नमक। यानी अगर स्फटिका आपने अंदाजे से एक चम्मच डाला तो दो चम्मच हल्दी और चार चम्मच सेंधा नमक, तैयार हो गया आपका। हमारे यहाँ जो क्लिनिक पे हम लोग अपने रखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, सनातन दंत मंजन के नाम से एक छोटी डब्बी होती है 20 रुपए की मात्र, उसमें ये तीनों चीजें हैं, मात्र 20 रुपए की डब्बी होती है, हम उसको ऐसे ही बांटते हैं। सो उस मंजन को आप सरसों के तेल में, वो कीप जो आपकी बेड साइड पर मैंने शुरू में रखवाई थी, ऐसी एक कीप आप अपने वॉशरूम में भी रखिए। आप सुबह उठ करके जब जाएंगे तो एक चुटकी इस मंजन का और दो चार बूंद तेल का लेकर के
आप मिलाएंगे, आपका पेस्ट तैयार हो गया, उसको मसूड़ों पे लगाइए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इन जनरल हम लोग जो मेरे योग साधक हैं, हमारी योग स्थली के लोग हैं, सुबह सुबह उठ करके पहले वो लगाते हैं, बाद में फ्रेश होने के लिए बैठते हैं। जब फ्रेश होकर उठते हैं तो हाथ धोते हैं, कुल्ला भी कर लेते हैं। सो दैट वे यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ। आपके जो दांत हैं उनमें कोई कीड़ा लगना, ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों में कोई पायरिया आना, ब्लीडिंग अगर आपको होती है तो आपको इस मंजन से बहुत लाभ मिल जाएगा। अब प्रीतम कुमार लिखते हैं, सर हमेशा उल्टी जैसा मन होता रहता है। देखिए उल्टी जैसा मन होता रहता है प्रीतम कुमार जी, इसका मतलब आपका आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो डाइजेशन को ठीक रखने के 3 बड़े बेसिक स्टेप। नंबर 1, खाना खाने के आधे घंटे पहले, अगर भूल जाएं तो 15 मिनट पहले, और भी भूल जाएं तो 5 मिनट पहले, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक मिला करके आपको खाना है। पहली बात ये, फिर मैं कह रहा हूं बेसिक प्रिंसिपल टू इम्प्रूव द डाइजेस्टिव पावर। आपको खाना सही से पचेगा तो उल्टी जैसा नहीं लगेगा, आपको गैस नहीं बनेगी। तो पहली चीज क्या कि आप सबसे पहले अदरक के एक छोटे से टुकड़े को सेंधा नमक मिला करके आप खाना खाने के 15 मिनट से आधा घंटा पहले, जितना आपको जब याद आ जाए आप लेने की आदत डाल लीजिए। दूसरा, जब आप खाना खाएं तो उस समय खाने के बीच में आप सिप सिप करके पानी लेना ना भूलें। हमारा शास्त्र बोलता है, देखिए मैं एक बात आपको बोल देता हूं कि आपको कहने सुनने वाले बहुत लोग टकराएंगे कि खाने से 45 मिनट पहले पानी पियो, खाने के 10 मिनट बाद पानी पियो, खाने के बाद पानी पियो, 2 घंटे बाद पानी पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। उनसे केवल आप प्रमाण मांगे कि किस संहिता में लिखा है कि खाने के बाद 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, तो वो आपको कहीं कुछ नहीं दिखा पाएंगे। शायद मेरे जैसे किसी डॉक्टर की लिखी हुई कोई पुस्तक दिखा देंगे। हम लोग के ज्ञान पे मत भरोसा कीजिएगा, केवल भरोसा करना है आंख मीच के तो चरक सुश्रुत भागवत पे करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चरक सुश्रुत भागवत ये आचार्य लिखते हैं कि भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृश अंगताम, यानी कि भक्तस्य आदौ भोजन से पहले यदि जल पिया, भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम, आपकी अग्नि मंद हो जाएगी यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाएगा, कृश अंगताम और आपको दुर्बलता बनी रहेगी, आप कमजोर महसूस करेंगे। कब? जब आप भोजन से पहले पानी पीते हैं, जो आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डाइटिशियंस करा रही हैं या करा रहे हैं कि आप खाने से पहले पानी पीजिए। तो जान लीजिए आप कृश अंग वाले तो हो जाएंगे, थोड़ा पतला तो हो जाएंगे, लेकिन पतला वो कैसे है, वो कमजोरी वाला पतलापन है, चक्कर खा खा के गिरेंगे। ऐसी भूल मत कीजिएगा कि भोजन से पहले पहले पानी पी करके पेट भरे, नेवर। नंबर 2, अंतः क्रोति स्थूलत्वम ऊर्ध्वम च आमाशयात् कफम, जो भोजन के अंत में जल पीते हैं उनके लिए क्या बताया गया कि अंतः क्रोति स्थूलत्वम, वो हमेशा मोटे बने रहते हैं, उनको मोटापा रहेगा, और ऊर्ध्वम च आमाशयात् कफम, आमाशय के ऊपर मतलब इस हिस्से की बात हो रही है, यहां पे कफ की बीमारियां होंगी, गले में, आंखों में, नाक में, सिर दर्द ये होगा। एंड फिर बोलता है मध्य मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, भोजन के मध्य में पिया गया जल, अगर भोजन के बीच में जल पीते हैं तो बताया आपके धातु भी सम रहेंगे, आपके अंग भी सम रहेंगे, सम मीन्स अच्छे रहेंगे, और जरणम सुखम भोजन का भी पाचन सुचारू रूप से होता रहेगा होगा। अब मध्य में भी कैसे पीना है तो यहां बात नहीं खत्म करते, मध्य में बोलते हैं अति अम्बुपानाच अविपच्यते अन्नम, अगर मध्य में भी आपने अधिक पानी पी लिया तो भी आपका खाना नहीं पचेगा। निरअम्बुपानाच सैव दोषे, अगर बिल्कुल नहीं पिया तो वो भी दोष है। तस्मान नरो वन्नी विवर्धनाए, ऐसे में आदमी क्या करे, तस्मान नरो वन्नी विवर्धन कि उसकी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित रहे और जल भी मिल जाए, तो बोलता है मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स
पानी, पिवेत मीन्स पिए, अपूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो जिस तरह से हम सुबह नाश्ते में कोई भी चीज खाते हैं, कुछ लोग परोठे खाते हैं, कुछ लोग पोहा खाते हैं, कुछ लोग दलिया, और अक्सर हम लोग चाय साथ में बनवा लेते हैं, तो आफ्टर एवरी टू बाइट्स वी हैव अ सिप ऑफ टी। तो सेम वे हमें उस तरह से सिप सिप करके अगर भोजन के साथ पानी पिएंगे तो शास्त्र बोलता है भोजने च अमृतम वारी। आप इस भ्रम से निकल जाइए कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना। मैं पूरे होशो आवास में पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भोजन के साथ पिया गया जल अमृत के जैसा होता है। तो अमृत मत छोड़िए, भोजन के साथ जल जरूर लीजिए। कैसे लेना है? आफ्टर एवरी टू बाइट्स हैव वन सिप। आप अगर मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं तो मैं पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स डालता हूं। अभी लास्ट जो दो टेस्टिमोनियल्स डाले उन पे अगर आप गौर करेंगे तो देखिए उसमें दो लेडीज हैं। एक बोल रही है कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियो देख के पानी पीना सही शुरू किया और मुझे मतलब इतना चेंज आ गया, मेरे डाइजेस्टिव इश्यूज जो मेरे थे वो सब पानी से ही चले गए। और एक लेडी ने बोला कि डॉक्टर साहब आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला था कि खाना जो है वो पियो और पानी चबा चबा के खाओ। तो मतलब वही कि खाना जो है सॉलिड जो है वो इतना चबा चबा के लेना है कि व्हेन इट क्रॉसेज द फूड पाइप इट शुड बी लिक्विड इन फॉर्म। तो ऐसे चबा चबा के खाना खाना शुरू किया और पानी जो है वो सिप ले लेके सिप ले लेके सिप ले लेके लिया। और डॉक्टर साहब मेरे को एंटा एसिड लेके भी आराम नहीं आता था। मैं बड़े बड़े कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी बोल रही थी, मैं वहां जाके भी अपने इश्यूज को डिस्कस करके आई, मुझे आराम नहीं मिला, लेकिन आपके इस फार्मूले को अपना करके और मुझे आराम मिल गया। सो मैं जो ये टेस्टिमोनियल बनाता हूं वो इसलिए कि शायद मेरे कहने पे आप लोग, ऐसी बात नहीं है, आप यू ऑल आर गुड, आप प्रभावित होते हैं, आप सुनते हैं बात को, लेकिन जब पेशेंट जब आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं तो वो डेफिनेटली और थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि हमेशा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप वीडियो बना करके अपना भेजे और अपना एक्सपीरियंस बताए कि पानी को सही करने से उसे क्या चेंज। मैं फेसबुक पेज पे डालूंगा उसका वीडियो। आप मुझे अपना वीडियो बना करके 2 मिनट का 3 मिनट का 1 मिनट का पूरा एक्सपीरियंस लिखिए कि खाने को चबा के खाना शुरू किया तो कैसा लगा, पानी बीच में पीना शुरू किया तो कैसा। तो ये सब चीजें आप फॉलो करना शुरू कीजिए। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक बेसिक, इनको आप फॉलो कीजिए। और आगे क्या है जी, ये पेशेंट हैं मिनेरिया संजय। 2 साल से पूरी बॉडी में खुजली और रैशेज आते हैं। देखिए संजय जी, अब आपको 2 साल से एक तरह से रैशेज आ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को हम मोटा मोटा तौर पे आर्टिक एरिया यानी कि शीत पित्त यानी कि छपाकी निकलना यानी कि पित्ती उछलना इन सब नामों से बोलते हैं। और इस बीमारी में आपको सबसे पहले होम रेमेडी यह है कि आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा घी, मतलब आधा चम्मच ही घी, दोनों मिलाकर के सुबह खाली पेट आपको लेना चाहिए। वो मेरा कोई भी मित्र जिसको अचानक से शरीर पे दाफड़ निकल आते हैं, छपाकी निकल आती है, इचिंग होती है, जलन होती है, मुंह सूज जाता है, होठ सूज जाते हैं, आंख सूज, अचानक से विद इन 2 मिनट्स आप देखेंगे आप मीटिंग ले रहे हैं और आपको बस शुरू हो गया एकदम से आपको। एंड कारणों की बात फिर करेंगे हम। कभी कभी स्ट्रेस से हमें कोई टेंशन होती है हमें एकदम से निकल आती है, कभी खाने की चीज से निकल आती है, कभी एनवायरमेंट से निकल आती है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए पहली सबसे सिंपल बट इफेक्टिव रेमेडी है कि वो काली मिर्च के पाउडर को घी में मिला करके सुबह खाली पेट लेना शुरू करे। नंबर 2, उस व्यक्ति को सरसों के तेल में, एक कटोरी में तेल ले लीजिए, थोड़ी सी सेंधा नमक डाल दीजिए और डाल करके उसके बाद शरीर की मालिश 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रोज सुबह नहाने के आधे घंटे पहले कीजिए, 1 घंटा पहले कीजिए, 2 घंटे पहले कीजिए, मिनिमम 15 मिनट पहले कर लीजिए, लेकिन कीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट करिए। और नंबर 3 पे, चाहे मौसम गर्मी का ही क्यों ना हो, ठंडे पानी से स्नान मत कीजिए, थोड़ा सा नवाया होना चाहिए। आप हाथ लगाएं, मतलब पूरी बाल्टी में शायद अब हम एक मग भी गर्म पानी डाल देंगे तो वो पानी जो है
गर्मी के मौसम में सुहाता गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं रहेगा, एटलीस्ट ठंडा नहीं रहेगा, उस पानी से स्नान कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आपकी जो एलर्जी 15 साल से आपको है, हो सकता है 15 दिन में ठीक हो जाए। फिर सुनिए मेरे वो भाई, वो बहने, वो मित्र जिनको छपाकी निकलना अर्टिकेरिया के लिए लगातार रोज रोज एंटी एलर्जिक मेडिसिन खानी पड़ रही है, स्टेरॉइड्स खाने पड़ रहे हैं, वो लोग सुबह उठ करके सबसे पहले काली मिर्च और घी लें, नंबर 2 सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर के मालिश करें, और नंबर 3 पे हल्के सुहाते गर्म पानी से स्नान करें। इसके बाद भी अगर बचती है तो अपने आसपास कहीं से हरिद्राखंड खरीद लें, हरिद्राखंड का 1 चम्मच सुबह शाम साथ में लें, हरिद्राखंड किसी भी कंपनी का ले आइए, तो मुझे लगता है कि लगभग 60-70% पेशेंट को इन्हीं से ही क्योर मिल जाएगा। व्हेन आई से क्योर मींस क्योर, आफ्टर 15 डेज मे बी आफ्टर ए मंथ यू विल नॉट रिक्वायर एनी मेडिसिन। कितनी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इनको अपनाना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर दिक्कत रह जाए तो वो हमारे लिए रोजी रोटी का माध्यम बने। अब ये जी अनूप शर्मा जी क्या लिखते हैं जी, उम्र 54 साल है, 34 साल से हाइपर एसिडिटी, खट्टी उल्टी जलन वलन ये सब पिलाना निमकाना सब रहता है। ओके, तो एक तो मैंने अनूप शर्मा जी आपको अभी बताया कि जिन लोगों को भी पाचन में दिक्कत आती है और स्पेशली एसिडिटी बनती है, वो लोग 3 स्टेप मैंने बताए, आप वीडियो फिर मैं पोस्ट कर दूंगा, सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, तो आपके लिए भी आज एक चीज मैंने रखा था यहां पर, शायद कैप्सूल नहीं है यहां पे, लेकिन एक ये एसिनो आर्क है साहब, इसी के साथ एसिनो कैप्सूल भी आते हैं। अब मजे की बात देखिए, ये एसिनो आर्क जो है इसके इंग्रेडिएंट्स मैं पढ़ता हूं। पहला इंग्रेडिएंट है सौंफ, दूसरा है पुदीना, तीसरा है अजवाइन, चौथा है जीरा, पांचवा है इलायची और छठा है मकोए। ये चीजें और ये बन गया एसिनो, मतलब एक तरफ से ये पुदीना, जीरा, इलायची, सौंफ ये डाला और उसको उबाला, और एक तरह से डिस्टिलेशन से वो जो पहले आप सौंफ का अर्क, मकोए का अर्क हम लोग घरों में निकालते थे, हर घर घर में सौंफ का अर्क लोग निकालते थे, तो ये अर्क है बेसिकली, वही अर्क जो अर्क का बड़ा आपने देखा होगा फेमस रहा, जिसमें सौंफ, अजवाइन, जीरा, पुदीना रहता था, तो इसमें एक दो चीजें और मिलाई है। सो बेसिकली ये अर्क है ये, अब इसको आप दवा कह लीजिए या सौंफ, अजवाइन, पुदीना को आप जो भी कह लीजिए, ये इसी के कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल भी क्या है, उसमें प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म एंड कपर्दिका भस्म, मतलब कैल्शियम। तो मेरी जो ये मेडिसिन आप एसिनो खाएंगे, अर्क एंड कैप्सूल, वो एक तरह से आपके डाइजेशन को ठीक करेंगी, आपके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट होंगी और आपके दर्दों को ठीक करेंगी। सो यू कैन ट्राई दिस एसिनो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड एसिनो आर्क एंड एसिनो कैप्सूल्स। और जी गीता रुहेला जी लिखती है, शुगर पेशेंट के लिए हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए। देखिए, शुगर पेशेंट के लिए हेल्दी डाइट का मतलब है हल्का खाना, सुपाच्य खाना, उनको कभी भी गरिष्ठ आहार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज और, डायबिटिक पेशेंट और ब्लड प्रेशर का पेशेंट भूल कर भी दही का सेवन ना करे। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, आप मेरे सब मित्र हैं, हमारा परिवार है, तो आप मेरा कहना मान लें, डायबिटिक पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट और दर्दों के पेशेंट और सूजन के पेशेंट और मोटापे से पीड़ित पेशेंट दही का सेवन ना करें। दही ठंडी नहीं है, दही उष्णम, दही गर्म है, दही उष्णम दीपनम स्निग्धम पित्त अस्र शोथ मेदा का प्रदम। पित्त मीन्स पित्त को बढ़ाने वाली एसिडिटी भी कर रही है। आप फ्रिज से निकाल करके ठंडा ठंडा दही खा करके सोचते हैं कि बड़ा आनंद आ गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये उसी तरह से है जैसे दर्द की गोली तुरंत रात देती है लेकिन अंदर जाके काम गड़बड़ कर रही है। तो एसिडिटी के लिए दही का खाया जाना भी उसी तरह से नुकसानदायक है, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाती है, अस्र मीन्स रक्त को दूषित करती है। तो जिन लोगों को स्किन डिजीज है, एक्जिमा, सोरियसिस, एक्ने, पिंपल्स, वो भी दही का सेवन ना करें।
फिर नंबर तीन पे शोथ, जिनको सूजन है शरीर में किसी भी तरह की सूजन, मैदा जिनको फैट है वो भी दही का सेवन ना करें। और वापिस से सवाल पे आता हूं जो पूछा था मेरे मित्र ने कि शुगर के लिए हेल्दी डाइट, तो नंबर एक मीठा और नंबर दो दही आप छोड़ दें। और हेल्दी डाइट में आंवला हल्दी का पाउडर सुबह उठ करके चंद्र प्रभा रोटी के साथ में शुरू कर दें। राहुल सिंह क्या लिखते हैं जी, फैटी लीवर और आईबीएस में पेन होता है क्या करें? आईबीएस मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं, आप फिर से इस एपिसोड को देखेंगे जब मैं पोस्ट करूंगा। राहुल सिंह, फैटी लीवर के लिए, वो मेरे भाई, वो मेरे मित्र जिनको फैटी लीवर है, वो किसी भी कंपनी की आरोग्य वर्धनी वटी ले आए और नियमित रूप से 3 महीने से 6 महीने तक 2 गोली सुबह शाम आरोग्य वर्धनी वटी की खाएं। देयर इज ए ग्रेट चांस कि आफ्टर 3 to 6 months आपका Grade 1 and Grade 2 फैटी लीवर बिल्कुल क्लियर आएगा। आई रिपीट, आरोग्य वर्धनी वटी किसी भी कंपनी की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आपके किसी और मेडिसिन के साथ, नंबर दो किसी और बीमारी में ये इंटरफेयर नहीं करती, तो आपको बहुत अधिक इससे पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंग्लिश मेडिसिन से इन जनरल 1 घंटे गैप देके लेंगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन पार्ट ऑफ फूड है। हमारी मेडिसिन में क्या है, जीरा है, अजवाइन है, पुदीना है, आप तो साथ में ही खाते हैं। आप चाय आपके सामने है और आपको बुखार है, आप एक पैरासिटामोल लेना चाहते हैं तो अक्सर आप चाय के साथ खा लेते हैं। उस चाय में हो सकता है आपने थोड़ी सी तुलसी भी डलवाई हो सकता है थोड़ी सी मुलैठी भी डलवाई हो सकता है थोड़ी सौंफ इलायची भी डलवाई हो, तो सौंफ इलायची मुलैठी तुलसी मेरी मेडिसिन है, लेकिन आप क्रोसिन के साथ खा रहे हैं उसको, आप पैरासिटामोल डोलो के साथ खा रहे हैं। सो कहने का मतलब यह है कि मेरी मेडिसिन इन जनरल पार्ट ऑफ फूड है, लेकिन फिर भी व्हेन यू टेक मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव लिटिल गैप, वो गैप 1/2 घंटे से 1 घंटे तक आपको जहां तसल्ली मिले, लेकिन थोड़ा गैप देके मेडिसिन लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए, अरशद अहमद कटीच लिखते हैं, आईबीएस का सॉल्यूशन बोलो सर। बोल दिया अरशद भाई, बोल दिया डिटेल में बोल दिया। आप अभी थोड़ी देर बाद, मैं इस एपिसोड के बाद इसको पोस्ट करूंगा, आप सुनना, सब बोल दिया। आईबीएस के पेशेंट साग ना खाएं, पत्ते की जो सब्जियां होती हैं पालक सरसों मेथी बथवा मत खाइए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मत लीजिए, मैदे की चीजें मत लीजिए। कुमारी निकिता डायबिटीज के लिए, निकिता आपको कहां से हो गया, आप तो कुमारी लगा रही हैं। डायबिटीज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस, अनफॉर्चुनेटली इस पर चर्चा करेंगे निकिता मैन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी समय इजाजत नहीं दे रहा। और बहुत सारे मेरे भाई जुड़े हुए हैं, बहनें जुड़ी हुई हैं, मित्र जुड़े हुए हैं। पिंटू अग्रवाल जी नमस्ते, और जी कन्नू अरोड़ा नमस्ते, झोटन दास जी, राहुल सिंह, और जी मुक्ता शानू, मुकेश कुमार जी ऑटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, यस वी कैन हेल्प यू। आरती गुप्ता जी नमस्ते, आपका क्वेश्चन आज नहीं लूंगा, नेक्स्ट टाइम लेंगे। और जी बहुत सारे नाम है, जूही और शालू खन्ना, मिनी सिंगल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, नवीन वाधवा, परमजीत पवार, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह फिर से लिख रहे हैं, भारती राणा, आप सबके क्वेश्चन हमारे पास आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं है, नहीं तो मैं कोशिश ये करूंगा अगर नंबर आप भेज दें कमेंट्स में किसी तरह से अपने सवाल के साथ, तो हम अगर मैं इस समय जवाब ना दे सकूं तो मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कमेंट्स के माध्यम से, हो सकता है कि मेरे जूनियर डॉक्टर आपको कॉल कर लें। सो अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं, इस वादे के साथ कि अगले शनिवार को 9 बजे वापस से मिलूंगा। अगर बहुत डिमांड आई और मेरे स्टाफ ने मुझे वास्तव में पुश किया तो बीच में भी मिलूंगा, लेकिन मैं डाल दूंगा अपने फेसबुक पेज पे मैं कब आ रहा हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का जो टॉपिक मैं सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही बैठा बोलने के लिए
मेरे स्टाफ ने बोला आईबीएस पहले मेडिसिन बताइए, उधर चले गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम निश्चित रूप से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मजे में रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, कैसे हमेशा हंसते रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे, गंदगी तो हर जगह है और हर जगह की गंदगी को हम साफ करेंगे ऐसा व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे गंदगी से बच करके सुगंधित जगह पे पहुंच करके आनंद उठाया जाता है। क्योंकि गंदगी का होना हर चीज के साथ, हम खाना भी खाते हैं तो एक भाग हमारे शरीर को पोषित करता है तो दूसरा भाग गंद बन के निकलता है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे उम्मीद मत करो कि गंद नहीं होगा, गंद तो हर जगह होना ही है। ये प्रकृति का नियम है कि सार के साथ किट रहेगा, जूस के साथ उसका, संतरे का भी जूस निकालते हैं तो एक तरफ जूस दूसरी तरफ गूदा, गूदा फेंकना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी होती है, लेकिन हमें बच के निकलना, हमें गंद को छेड़ना नहीं है, गंद पे पैर भी नहीं रखना। हाँ, अगर अपने घर का है सामने दिख रहा है और हम साफ कर सकते हैं तो साफ करते चलेंगे, लेकिन उतना जितना कि हम कर सकें। कुछ इसी तरह की बातें अगले हफ्ते करेंगे, तब तक के लिए एक बार पुनः आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हे सदैव प्यार देने वाली मातृभूमि, हे हमेशा सुख से पोषित करने वाली मातृभूमि, तुझको भी नमस्कार। बाय 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 बाय।